नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। देवरी कला। मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील में दीपक सिंह कलेक्टर सागर ने दिन बुधवार को करीब 1 बजे अचानक विभिन्न विभागों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी, आजीविका मिशन प्रशिक्षण केंद्र, नवनिर्माण भवन व पंचायतों का औचक निरीक्षण कर वहाँ की व्यवस्थाओं व कार्यों की समीक्षा की, जिसमें सबसे पहले कलेक्टर द्वारा देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों के इलाज व्यवस्था तथा साफ सफाई के बारे में निरीक्षण कर जानकारी ली। क्योंकि वर्तमान समय में अभी मौसमी बीमारी के कारण अधिक मरीज आ रहे हैं, उनको यदि कोरोना की शिकायत होती है तो उनका टेस्ट देवरी सामुदायिक अस्पताल में ही कराकर पॉजिटिव आने पर जिला अस्पताल व BMC में इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की बात की गई व कोरोना COVID-19 की जांच सुविधा देवरी में उपलब्ध हो गई, जिससे देवरी में ही लोगों को टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त होगी तथा देवरी अस्पताल के लिए एंटीजन किट कलेक्टर द्वारा सौंपी गई। साथ ही अस्पताल के निरीक्षण के बाद सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र आजीविका मिशन का भी निरीक्षण कर महिलाओं से प्रशिक्षण केंद्र में बन रहे मास्क, कपड़े आदि की जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं के बारे में जाना। आजीविका मिशन विभाग के बन रहे कुसुम बिहार कॉलोनी में नवनिर्माण भवन का निरीक्षण कर उसका निर्माण कार्य गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। चीमाडाना व गुगवारा पंचायत में जाकर मुर्गी पालन फार्म का निरीक्षण किया। इसके बाद केसली ब्लॉक के विभिन्न विभागों पंचायतों के निरीक्षण करने रवाना हुए। इस दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत CEO, SDM, CMHO, देवरी तहसीलदार, CEO, CMO, BMO आदि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आज निरीक्षण हुआ है, किन किन संबंधों को लेकर हुआ निरीक्षण? आज हमने देवरी के अस्पताल में जो फीवर क्लिनिक चल रही है उसका निरीक्षण किया है। इस समय मौसमी बीमारी के कारण फीवर के काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना COVID-19 के जांच के लिए भी हमने यहाँ पर फीवर क्लिनिक में व्यवस्था की है और एंटीजन किट यहाँ पर BMO साहब को उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार से अब कोरोना की जांच भी देवरी में सुविधा उपलब्ध हो गई है। फीवर क्लिनिक में जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो उनके COVID-19 की भी जांच की जा सकेगी और अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज या जिला मुख्यालय सागर में जो भी चिकित्सा की सुविधा, इलाज की सुविधा की गई है, वहाँ उनको भर्ती करके इलाज कराया जाएगा। इसके साथ ही हमने अस्पताल के जो दूसरे वार्ड्स हैं और उपचार की व्यवस्था देखी है और दिल्ली में काम ठीक हो रहा है, कुछ जगह सुधार की जरूरत है तो उनको हम बताएंगे। खबर समय जगत के लिए देवरी से उपेंद्र राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।